नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनएक्स टीवी। मैं हूं आपके साथ निशा। बात करेंगे बड़ी खबर में कौन सी खबर रही सुर्खियों में। जम्मू कश्मीर में फंसे छत्तीसगढ़ के मजदूरों के लिए दो ट्रेनों की मिली अनुमति। लॉकडाउन में जम्मू कश्मीर में फंसे छत्तीसगढ़ के श्रमिकों के लिए दो ट्रेनों की अनुमति मिल गई है। ये श्रमिक स्पेशल ट्रेन जम्मू से बिलासपुर चांपा चलेगी। पहली ट्रेन 20 या 21 मई को यहाँ पहुँचने की संभावना है। इसी तरह दूसरी ट्रेन 22 या 23 मई को आएगी। छत्तीसगढ़ में 6 और नए कोरोना मरीजों की पुष्टि। पिछले 12 घंटे में 25 नए मामले सामने आए। प्रदेश में 6 और नए कोरोना मरीज मिले हैं। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में कुल 25 कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। बता दें कि अब प्रदेश में कुल 33 एक्टिव मरीज हो गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार जांजगीर चांपा से 5 और सरगुजा से 1 नया मरीज मिला है। वहीं इससे पहले बालोद से 7, बलौदाबाजार से 6, कवर्धा से 2 और राजिम से 1 मरीज की पुष्टि हुई थी। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के मस्तिष्क में दिखा खून का प्रवाह। परिस्थिति चिंताजनक ही बनी हुई है। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी की स्थिति अब तक गंभीर बनी हुई है। लेकिन अजीत जोगी के सोमवार सुबह जारी मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक उनके मस्तिष्क में खून का प्रवाह देखा गया। डॉक्टर इसे अच्छा संकेत बता रहे हैं। अजीत जोगी अभी भी कोमा में है। उन्हें वेंटिलेटर के जरिए सांस दी जा रही है। छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय में जनरल प्रमोशन को लेकर दो छात्र संगठनों में छिड़ी जंग। विश्वविद्यालय की परीक्षा को लेकर NSUI और अभाविप में राजनीति शुरू हो गई है। जनरल प्रमोशन को लेकर दोनों छात्र संगठन आमने सामने हो गए हैं और दोनों की राय भी अलग अलग है। NSUI ने परीक्षार्थियों को जनरल प्रमोशन देने की मांग की है, वहीं अभाविप ने इसका विरोध किया है। देश में 24 घंटे में 5,000 से ज़्यादा कोरोना के नए केस, कुल संख्या 56,159 पहुंची। देश भर में मार्च के आखिरी से लागू लॉकडाउन के बावजूद भी कोरोना वायरस के मामले काफ़ी तेज गति से बढ़ रहे हैं। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 96,000 से पार पहुंच चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सुबह जारी आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना रोगियों की संख्या 96,159 तक पहुँच गई है। वहीं मरने वालों की संख्या 3,029 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 5,242 नए केस सामने आए हैं। प्रचंड चक्रवाती तूफान में तब्दील हो सकता है इम्फान। चक्रवाती तूफान इम्फान सोमवार शाम तक विकराल रूप ले सकता है और बुधवार को 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के साथ यह पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तट से टकरा सकता है। गृह मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज ने बंगाल के मुख्यमंत्री ममता को लिखा पत्र। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से कहा है कि इंदौर में पश्चिम बंगाल के श्रमिक लॉकडाउन के चलते फंसे हैं। वे श्रमिक अपने गृह स्थान वापस जाना चाहते हैं। ऐसे में अपने राज्य की ओर से रेल मंत्रालय से बातचीत कर विशेष ट्रेन की मांग करें। अहमदाबाद में प्रवासी कामगारों ने पुलिस कर्मी और लोगों पर किया पथराव, 2 घायल। गुजरात के अहमदाबाद में सोमवार को एक सड़क पर कम से कम 100 प्रवासी कामगार इकट्ठा हो गए और उन्होंने पुलिस कर्मी और लोगों पर पथराव किया। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। एक स्थानीय निवासी ने बताया कि प्रवासी कामगारों की मांग है कि उन्हें घर लौटने दिया जाए। इस घटना में 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। दुल्हन के जोड़े में दिखी सपना चौधरी, ब्राइडल लुक हुआ वायरल। हरियाणा की मशहूर डांसर सपना चौधरी आए दिन अपने गानों के लिए चर्चा में रहती है। उनके डांस के वीडियो खूब देखे जाते हैं। फिलहाल वे कुछ तस्वीरों के कारण चर्चा में हैं। दुल्हन के जोड़े में सपना चौधरी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर कहर बरपा रही हैं। यात्रा प्रतिबंध और मानसून के कारण IPL के 4 महीने तक होने के आसार कम। गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन के चौथे फेज के लिए गाइडलाइन जारी कर दी। इसमें स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोलने की मंजूरी तो दी, लेकिन घरेलू अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध कम से कम 31 मई तक जारी रहेगा। ऐसे में घरेलू और विदेशी दोनों खिलाड़ी यात्रा नहीं कर सकेंगे, इसलिए IPL के अगले 4 महीने तक होने के आसार कम है। आज की बड़ी खबरों में इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे आने वाली वीडियो की अगली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करिए। अगर आपके घर पे 3 दरवाजे एक सीध में आ गए हो और आपको लगता है कि यह
वास्तु का एक दोष है, तो अगर आप उसको तीनों दरवाजे को आप हटा नहीं पा रहे हैं, तो एक टिप्स मैं आपको देता हूँ, उस टिप्स के माध्यम से आप तीनों दरवाजों के दोष का निराकरण स्वयं कर सकते हैं। आप चाहें तो बीच वाले दरवाजे पे विंड चाइम, वो सूर्य लहरी को आप लगा सकते हैं जो आपने देखा होगा, उस सूर्य लहरी के प्रयोग से आप वो जो एक ऊर्जा एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे की ओर वापस चली जाती है उसको आप ऑब्स्ट्रक्ट कर सकते हैं, रोक सकते हैं, या आप एक पर्दे बीच पे लगा दें जिससे ऊर्जा का प्रवाह कमरे के अंदर ही होगा और ऊर्जा एक स्थान से निकल के दूसरे स्थान पे वापस नहीं जाएगी। तो अगर आप इस दोष से पीड़ित हैं तो इस उपचार को अवश्य करें।